महफिले आशना बिरोती है, पूछ एक नौजवान बेवा से ईद की सुबह कैसी होती है। है प्यार यतीमों से नबी करीम को, है प्यार यतीमों से नबी करीम को, दो नन्हे रोजादार रोजे रखेंगे तीसों न घबराएंगे अम्मी।
में एक सहाबी रहा करते थे जिनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। रमज़ान शरीफ की चांद रात को उनका इंतकाल हो जाता है। लोग बच्चों को समझाते हैं कि मौला का शुक्र करो, वो रहीम है, वो करीम है, एक से दिन नहीं रहते। तो बच्चे माँ से कहते हैं कि चांद रात में वालिद छूट गए, अब कौन सहरी में जगाएगा, कौन मीठी चीज़ें खिलाएगा, किससे बोलेंगे शाम के वक्त, अब अकेले ही रोज़ा खुलेंगे। तो माँ कहती है कि बेवा की लाज मौला रखेगा, मेरे बच्चों इतना मत घबराओ, सब खबर है कमली वाले को। सहरी के वक्त वो बच्चे उठे और खजूरें खा के पानी पी लिया, और जब शाम का वक्त हुआ अफ्तार का, बच्चों ने रोज़ा खोला और माँ से कहने लगे कि रोज़े रखेंगे तीसों ना घबराएंगे अम्मी, इस इम्तहान में पूरे उतर जाएंगे अम्मी। तो देखिए फिर माँ ने क्या किया, सुना सुनाए। माँ ने घर घर में जाके काम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, पीस के चक्की जो बिलाती थी पहले बच्चों को वो खिलाती थी। दिन गुजरने लगे गरीबों के, दिल बहलने
उन बच्चों की माँ ने घर घर में जाकर काम किया और बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। पीस कर चक्की जो भी लाती थी तो वो बेवा पहले बच्चों को खिलाती थी। इस तरह दिन गुजरने लगे, जो भी मिलता था सहरी कर लेते थे। लेकिन वो औरत रंजो गम से बेकरार थी, लेकिन रोज़ादार भी थी। और वो बच्चे इस कदर कौल के पक्के थे कि 300 रोज़े उन दोनों बच्चों ने रखे। लेकिन जब थोड़ा खुश हुए वो भाई, तो ईद की चांद रात आई। जब बच्चों ने चांद देखा तो आह भर के कहा कि चांद की शाम में बाबा छूटे थे और आज ईद का चांद है, ये जाने क्या लूटे। क्योंकि माँ 4 दिन से बहुत बीमार है और रोकर कहने लगे कि या खुदा अब माँ की बारी ना हो। इसी तरह चश्मतर दोनों भाई जब घर पहुँचे तो देखा कि माँ सर पे हाथ रखकर बैठी है। माँ को देखा तो बच्चे प्यार से कहने लगे कि अम्मी कल ईद आएगी, बताओ अम्मी क्या खिलाओगी, क्या पहनाओगी, क्या दिलाओगी। बच्चों की बात सुनकर वो दुखियारी फूट कर रोने लगी। तो बच्चे बहुत मायूस हुए और आंसू पोंछ कर कहने लगे कि साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, साबित कदम रहेंगे मुसीबत की डगर में, और इज्जत खुदा रखेगा मोहम्मद के शहर में। तो देखिए जब बच्चों ने इतना कहा तो फिर माँ ने क्या किया। ये आखिरी बंद है, जनाब अख्तर जमशेदपुरी क्या फरमा रहे हैं, समाज फरमा। दोनों बच्चों से तसल्ली पाकर सो गई माँ बेचारी, फिर जाकर रात गुजरी सुबह हुई जिस दम, था मदीने में खुशी का आलम, हर जगह पर खुशी का डेरा था, एक बेवा का घर कपड़े पुराने धोते थे, कोई भी मोहन सो गम खार नहीं, गमजदों से किसी को प्यार नहीं, छोटा भाई बड़े से कहने लगा ईद पहले भी आई थी भैया, किसका दर बाबा